384 धारा 384 506 और 120 बी। आप समझिए आम आदमी पार्टी का जो आपराधिक चेहरा है वो एक बार आज फिर सामने नजर आया। 18 अप्रैल 2020 एक डॉक्टर सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लेते हैं कि वहां के विधायक रंगदारी वसूली और हरेसमेंट, और वो डॉक्टर अपने सुसाइड नोट में लिख के जाते हैं कि ये है वो आदमी जिसकी वजह से मैं ये सुसाइड कर रहा हूं। हम बार बार कहते रहे कि जल बोर्ड का घोटाला शराब घोटाले से बड़ा घोटाला है, और ये जो हत्या का मामला है ये जल बोर्ड से जुड़ा हुआ मामला है। टैंकर माफिया किस तरह से शिकंजा कसता है, किस तरह से अपना काम करता है, ये जो डॉक्टर का सुसाइड नोट बाद में मिला है और जो बातें उसमें लिखी गई है ये उसको दर्शाता है। और मुझे तो कई बार लगता है आम आदमी पार्टी नहीं है, ये अपराधियों की शरण स्थली बन गया है। एक आदमी नहीं है यहां पर, हम लगातार जो इनके कारनामे सुनते हैं, अमानतुल्ला खान, मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री, वो तो जेल में है ही, सत्येंद्र जैन, सोमनाथ भारती जो भी नवाजे गए हैं जिनपे महिला उत्पीड़न के आरोप लगे हैं, अखिलेश त्रिपाठी, संजीव झा, और आदि ऐसे अनेक हैं जो छोटी छोटी चोरियों में जुटे हुए। इनके विधायकों का अपराधियों का अड्डा है। जब ये हत्या की गई तब भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से जोरदार विरोध किया गया था, प्रकाश जायसवाल की गिरफ्तारी की मांग की गई थी। उस समय भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस स्टेटमेंट जारी किया कि प्रकाश जायसवाल के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह पूरी तरह से निराधार है और उनके पक्ष में बहुत सारे कसीदे पढ़े गए। कोर्ट के फैसला आ जाने के बाद उनकी मेमोरी तो चली जाएगी, अरविंद केजरीवाल को, प्रकाश जायसवाल को अपनी पार्टी से तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल ने जब डॉक्टर की हत्या हुई तो प्रकाश जायसवाल को निर्दोष माना